नमस्कार भाइयों, तो स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में जो ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का 29वां मुकाबला खेला जाना है उसकी। और भाइयों, इस मैच में क्या होने वाला है, कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, किसको लेना है, किसको ड्रॉप करना है, कैसे आपको टीम्स बनाना है, क्या रहेगी पिच रिपोर्ट और कौन सी टीम के जीतने के ज्यादा चांसेस है, सब कुछ भाइयों आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। ठीक है भाइयों, बाकी भाइयों वर्ल्ड कप आपके भाई का बड़ा ही जबरदस्त चल रहा है। मतलब क्या ही बोलूं यार, सोचा नहीं था कि इतना जबरदस्त जाएगा। मैंने तो कमिटमेंट करी थी वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले कि भाई इस वर्ल्ड कप में 10+ मैचों में ग्रैंड लीग जिताऊंगा। भाई अभी आधा ही वर्ल्ड कप हुआ है और आपके भाई ने बैक टू बैक नौ मैचों में 2-2 करोड़ रुपए जितवा दिए। यकीन नहीं है? हाँ मुझे मालूम है, नहीं होगा भाई यकीन आपको। आप एक काम करो, कल की वीडियो देखो, परसों की वीडियो देखो, ये दो वीडियो देख लो अभी तो आप, ठीक है, टाइम निकाल के। अगर आपके पास में और भी टाइम है तो पाकिस्तान वर्स नीदरलैंड की वीडियो देखना, ओडीआई वर्ल्ड कप दूसरा मैच था जो, इंडिया वर्स ऑस्ट्रेलिया की वीडियो देखना, और उसके बाद में नीदरलैंड वर्स साउथ अफ्रीका की वीडियो देखना, उसके बाद में नीदरलैंड वर्स न्यूजीलैंड की वीडियो देखना, और साउथ अफ्रीका वर्स इंग्लैंड की वीडियो देखना जिस दिन दो मैच थे, और ये दो वीडियो देख लेना जो लास्ट दो है। वर्ल्ड कप में आपके भाई ने 9 बार 2-2 करोड़ रुपए जितवा दिए। कल के दोनों ही मैच आपके भाई के बहुत जबरदस्त गए। आओ टेलीग्राम पे रिजल्ट देखो, समझ जाओगे। टाइम है तो वीडियो देख लो, बोलोगे भाई सब कुछ तो आपने पहले ही बता दिया था यार, काश मैं आपकी वीडियो देख लेता तो भाई आप भी जीत जाते। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो भाई कल अगर आप वीडियो देखते मेरी तो आप 2-2 करोड़ रुपए आप भी जीत जाते। मेरे ही बंदे जीते कल दोनों मैचों में 2-2 करोड़ रुपए, और एक बंदे ने तो मेरी डीपी भी लगा के रखी जिसकी 16 रैंक आई है। आप आओ ना टेलीग्राम पे, मैंने पोस्ट किया रिजल्ट सबका। ठीक है भाई, तो ये तो कल की बातें हैं। बाकी भाइयों, ऐसा नहीं कि मेरा सब मैच एक तरफा ही गया। अभी देखो क्या बोलते हैं, मुझे ब्रेक भी लेना पड़ा था, मुझे 2 बार ब्रेक लेना पड़ा है। इंडिया पाकिस्तान का मैच आया था उस टाइम पे मेरे 2-3 मैच खराब हो गए थे, तो मैंने ब्रेक लिया। ब्रेक मतलब लिया नहीं था, लेना पड़ा था वो, इसलिए क्योंकि क्या हुआ था कि अहमदाबाद में था मैं उस टाइम पे, इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहा था, तो यहाँ पे नहीं था, वीडियो बना ही नहीं पाया। तो इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान का मैच ब्रेक लिया था, और भाई उस मैच में उससे पहले 3 मैचों में एक तरफा हार गया था। तो इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान के मैच में वापसी करी, कमबैक किया, एक तरफा अल्ट्रा क्लीन स्वीप किया, ठीक है। फिर उसके बाद से बैक टू बैक 4 मैचों में ग्रैंड लीग जितवा दी, ठीक है। फिर अभी क्या हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नीदरलैंड का मैच था, उस मैच में मेरा इतना दिमाग खराब हुआ, तो फिर उससे पहले 2 मैच हार चुका था मैं, तो फिर मैंने ब्रेक लिया इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका के मैच में, और बोल दिया था भाई इस मैच में मोटा अमाउंट छापूंगा, फिर उसके बाद में अब वीडियो कंटिन्यू करूंगा। तो उस मैच में छापा, फिर उसके बाद में मैंने साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान की वीडियो दी, ग्रैंड लीग विनिंग प्रेडिक्शन दिया। यकीन नहीं, जाके देख लो वीडियो की टीम देख लेना, अगर टाइम नहीं है तो वीडियो की टीमें ही देख लोगे ना तो समझ जाओगे आप भाई क्या टीमें दी थी, ठीक है। और कल की आप पूरी वीडियो देखना, जो जो आपके भाई ने बोला है, जैसा आपके भाई ने बोला है, दोनों मैच पूरे वैसे ही हुए हैं। और भाई मेरी टीम देखो आप वीडियो में जाके, बोलोगे भाई ट्रेविस हेड, कल किसी को मालूम ही नहीं था कि खेलने वाला है, आपके भाई ने CVC बना के दिया था, टेलीग्राम पे आके देख लो आप। भाई मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, मतलब मैं बोलूँगा ना तो पूरी वीडियो मतलब 2-3 घंटे की हो जाएगी, है ना। तो आज के मैच के ऊपर बात करते हैं। बाकी भाइयों, आज आपके लिए भाइयों इस वीडियो में मैंने गिव अवे रखे हैं, वो भी दो दो गिव अवे है भाइयों आपके लिए। आज मिलेंगे कैसे, पहले वो बता देता हूँ, गिव अवे का आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद में आज के मैच की पिच रिपोर्ट, आज के मैच की प्लेइंग 11, आज के मैच की टीम। आज की वीडियो में 6 ग्रैंड लीग की टीम्स
मिलने वाली है आपको साथ में स्मॉल लीग की टीम, लेकिन हाँ 6 ग्रैंड लीग की टीम है, लेकिन उनमें से काम करेगी 3 टीम, क्योंकि टॉस कौन जीतेगा मैच उसके ऊपर डिपेंड करेगा, पूरी टीम आपको उसके बाद ही मतलब बनेगी भाई, क्योंकि ये मैच ऐसा है जो टीम बॉलिंग करेगी तब आपको कौन से प्लेयर लेना है, कौन सी टीम अगर बैटिंग करेगी तो आपको कौन से प्लेयर लेना है, समझ में आ जाएगा आपको धीरे धीरे अभी। लेकिन अभी उससे पहले क्या बोला मैंने आपको, आपका गिव अवे ओपन करके मैं बता देता हूँ। दो दो गिव अवे है भाइयों, एक लाख रुपए का गिव अवे है और मैं मोबाइल दे रहा हूँ आज गिव अवे में, तो मिलेगा कैसे समझा देता हूँ, ओपन करके बता देता हूँ। और एक ऑफर और है, बोलोगे भाई कितना कुछ देते हो आप यार, क्या दयालु आदमी हो आप, मानना पड़ेगा भाई आपको। तो भाई ये है आपका गिव अवे, 1,00,000 रुपए आपको आज के मैच में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में मेरी तरफ से मिल रहे हैं विजन 11 पर। करना कुछ नहीं है, डाउनलोड करना है आपको मेरे रेफरल से, मेरी लिंक से, लिंक है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। तो 1,00,000 रुपए का गिव अवे मिल जाएगा आपको विजन 11 डाउनलोड करने पर मेरी तरफ से, ठीक है। और क्या मिलेगा डाउनलोड करने पर विजन 11 को, तो भाइयों 500 रुपए फ्री मिल जाएगा आपको मेरी तरफ से, अगर आप मेरी लिंक से डाउनलोड करते हो, मेरे रेफरल से डाउनलोड करते हो, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में उससे आप डाउनलोड करो। 1,00,000 रुपए का गिव अवे प्लस 500 रुपए फ्री डाउनलोड करने पर सिर्फ मेरे रेफरल से, ठीक है भाइयों। तो दो बेनिफिट आपको मिल गए। अब एक गिव अवे और है वो बताता हूं आपको, ये देखो भाइयों मोबाइल फोन का गिव अवे, ये कैसे मिलेगा आपको, ये ऐसे मिलेगा आपको, आपको बस करना कुछ नहीं है, आपको लीग 11 को डाउनलोड करना है, लीग 11 की भी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भाइयों। मोबाइल फोन मिलने वाला भाइयों आज के मैच में आपको, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच में मेरे तरफ से आपको मोबाइल फोन मिलने वाला है लीग 11 पर। तो लीग 11 डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, लेकिन ये सिर्फ मैं करवा रहा हूँ, तो जो मेरे रेफरल से डाउनलोड करेंगे, मेरे लिंक से डाउनलोड करेंगे, उन्हीं को ये गिव अवे शो होने वाला है मोबाइल फोन का, ठीक है। और क्या मिलेगा आपको मेरी लिंक से डाउनलोड करने पर, 100 रुपये फ्री, 100 रुपये फ्री यहाँ मिल जाएंगे आपको, 500 विजन 11 पे, 100 रुपये लीग 11 पे, 1,00,000 रुपये का गिव अवे विजन 11 पे, मोबाइल फोन का गिव अवे लीग 11 पे। भाई फ्री फ्री में इतना कुछ दे रहा हूँ, दोनों ऐप आप जल्दी से डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है, ठीक है भाइयों। अब इसके अलावा अगर आप लीग 11 पे खेलते ही हो, वैसे तो भाई आपका भाई लीग 11 पे खेलता है, तो भाइयों आज लीग 11 पे सुबह 9 बजे, अगर आप अभी इस, वैसे मैं ये वीडियो पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता नाइट में बना रहा हूँ तो कितने बजे पोस्ट होगी, 6 या 7 भी बज सकता है। तो आज सुबह 9 बजे के बाद से लीग 11 पर 5% कैश बोनस डिपॉजिट करने पर मिलने वाला है। अगर मान के चलिए आप 100 रुपये ऐड कर रहे हो तो 5 रुपये आपको बोनस मिल जाएगा, 1,000 रुपये ऐड कर रहे हो तो 50 रुपये आपको बोनस मिल जाएगा, 2,000 ऐड कर रहे हो तो 100 रुपये मिल जाएगा। तो भाइयों फ्री में 1,00,000 रुपये ऐड करो, समझ ही जाओ कितना मिल जाएगा, ठीक है भाइयों। तो ऐड कर लेना, आज ऐड करने का दिन है, डिपॉजिट करने का दिन है, तो लीग 11 पे डिपॉजिट का भी ऑफर दे रहा हूँ भाइयों आज मैं आपको, मेरी तरफ से आपके लिए, ठीक है भाइयों। तो ये तीनों चीज मैंने आपको बता दी, 1,00,000 रुपए का गिव अवे, मोबाइल का गिव अवे, साथ ही में मेरी लिंक से डाउनलोड करने पर, ये दो चीज तो आपको मिल ही रही है, साथ ही में आपको 500 रुपये फ्री मिल रहा है विजन 11 पर, साथ ही में लीग 11 पे आपको 100 रुपये फ्री मिल रहा है मेरी लिंक से डाउनलोड करने पर, साथ में ये आपको आज 5% कैश बोनस का ऑफर भी दिया जा रहा है मेरी तरफ से लीग 11 पर डिपॉजिट करने पर, ठीक है भाइयों। तो दोनों ही के बारे में मैंने आपको बता दिया, दोनों ही ऐप डाउनलोड कर लेना। अभी मैं आपको टीम भी बना के बताऊंगा लीग 11 की, हाँ भले टीम ना बना के बताऊं पर हाँ लास्ट मैच की टीम जरूर बताऊंगा। चलो पहले मैं लास्ट मैच की आपको टीम दिखाता हूँ लीग 11 की, ये देखो भाई ये कौन सा मैच आ गया भाई,
अरे यार, ये मेरी क्या है वो रियल वाली आईडी, इसमें लॉगिन ही नहीं है अभी लीगली उनकी। ठीक है, अब टेलीग्राम पे आके देख लेना भाई आप, कल की टीम मेरी बोलोगे हाँ भाई मजा आ गया है ना। तो भाइयों, सब कुछ मैंने बता दिया आपको, लीग इलेवन का, विजन इलेवन का डाउनलोड जरूर कर लेना। मोबाइल फोन मिलेगा, 1 लाख रुपए का गिवअप मिलेगा, 500 रुपये फ्री मिलेंगे या फिर 100 रुपये फ्री मिलेंगे, और 5% आज कैश बोनस का ऑफर भी है मेरी तरफ से। जो भी आप मेरे रेफरल से डाउनलोड किया है आपने पहले, या फिर अभी आप डाउनलोड कर रहे हो, तो ठीक है भाई। तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया लीग इलेवन और विजन इलेवन का। बाकी भाई अब सीधे बात करेंगे आज के मैच के ऊपर, ठीक है। आज के मैच में क्या होने वाला है उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भाइयों इस मैच की पिच रिपोर्ट के ऊपर। पिच रिपोर्ट क्या रहने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो भाइयों, जहां पे मैच खेला जा रहा है ना, तो भाइयों जहां पे मैच खेला जा रहा है ना लखनऊ में, भाइयों इस पिच पे आपके भाई के जो रिकॉर्ड है ना बड़े ही जबरदस्त है। जब भी यहाँ पे मैच होता है आपका भाई ग्रैंड लीग में टॉप करता है, ठीक है भाइयों। तो आज भी कुछ वैसा ही आपको देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो तो भाइयों खुशखबरी है, आज ग्रैंड लीग विन करने वाला मैच है। स्मॉल लीग तो भाइयों आज आम बात है जीतना, कोई बड़ी बात नहीं है। बस जो जो मैं बताऊंगा वो आप कर लेना, स्मॉल लीग भी आप जीत जाओगे। जब ग्रैंड लीग जीत जाओगे तो स्मॉल लीग कौन सी बड़ी बात है, ठीक है भाइयों। तो आज की पिच रिपोर्ट सुनकर ही आप ग्रैंड लीग जीत जाओगे। आखिर होने वाला क्या है इस पिच पे वो मैं आपको बता देता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ, समझ लेना भाइयों, यही काम में आएगा आपके। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में मैच खेला जाना है, और इस पिच पे होने वाला क्या है बता देता हूँ भाइयों। यहाँ पे स्पिनर्स को हेल्प मिलने वाली है, स्पिनर्स का आज मैच होने वाला है, ठीक है। स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन भाइयों मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे फास्ट बॉलर्स भी विकेट निकाल रहे हैं। तो फास्ट बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे, किसको लेना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, किस कंडीशन में कौन से फास्ट गेंदबाज आपको लेना है वो मैं आपको समझा दूंगा, और किस कंडीशन में कौन से स्पिनर्स लेना है वो मैं आपको बता दूंगा। मतलब कि कौन सी टीम बैटिंग करती है या बॉलिंग करती है उसको मैं कंडीशन बोल रहा हूँ, ठीक है। इंडिया पहले बैटिंग करती है तो आपको कैसे टीम बनाना है, इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है तो आपको कैसे टीम बनाना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। बाकी भाइयों स्पिनर्स को हेल्प मिलने वाली है, साथ ही में इस मैच में फास्ट गेंदबाज भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, और वो फास्ट गेंदबाज कौन से रहेंगे वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है भाइयों। जब मैं टीम बनाऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई इस फास्ट गेंदबाज को लेना है, अगर इंडिया बॉलिंग करती है तो इसको लेना है, इंग्लैंड बॉलिंग करती है तो इसको लेना है, समझ में आ जाएगा आप, ठीक है भाइयों। बाकी भाइयों इस मैच में बल्लेबाज भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, खासकर इंडिया के बल्लेबाज बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्यों रहेंगे आगे समझ में आएगा आपको। अभी कुछ मैचों से मैंने रोहित कोहली गिल को छोड़ा, लेकिन आज छोड़ूंगा कि नहीं छोड़ूंगा आपको आगे पता चलेगा, ठीक है भाइयों। तो पिच रिपोर्ट में ज़्यादा कुछ खास है ही नहीं, स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी, लेकिन मैं आपको फास्ट गेंदबाज भी बता दूंगा कि ये चलेंगे इस कंडीशन में, साथ में आपको मैं बल्लेबाज बता दूंगा कि भाइयों इन बल्लेबाजों को आपको रखना ही है, समझ गए। ये बस यही थी पिच रिपोर्ट, बाकी टीम जब बना के बताऊंगा ना तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको काम क्या करना है इस मैच में, और कैसे 2 करोड़ अपने नाम करना है, ठीक है भाइयों। इस वर्ल्ड कप में यार बैक टू बैक मैचों में ग्रैंड लीग जितवा रहा हूँ, 2-2 करोड़ रुपए जितवा रहा हूँ, तो आज भी पूरे पूरे चांसेस हैं। चलो पिच रिपोर्ट तो आपको समझ में आई गई होगी, स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी, लेकिन फास्ट बॉलर और बल्लेबाजों पर भी ध्यान देना है, वो कौन से रहेंगे आपको डायरेक्ट में ओपन करके टीम बना के ही बता देता हूँ। तो
तो भाई वो ड्रीम इलेवन ओपन कर लेता हूँ डायरेक्ट। ड्रीम इलेवन ओपन हो गया है भाई वो, और ये रहा इंडिया वास इंग्लैंड। मैंने आपके लिए ना आज 7 टीमें रेडी करी है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी स्मॉल लीग की टीम बना के बताता हूँ, ठीक है। स्मॉल लीग की टीम मेरी क्या रहने वाली है, कौन से प्लेयर्स मैं लेने वाला हूँ, फिर उसके बाद मैं ग्रैंड लीग की टीम्स आपको बताऊँगा कैसे बनाना है। स्मॉल लीग की टीम भी भाइयों डिसाइड करेगा कौन सी टीम पहले बैटिंग करती है या कौन सी टीम पहले बॉलिंग कर रही है। इस मैच में टॉस के ऊपर पूरा खेले, समझ में आ जाएगा अभी आपको। पहले बात कर लेते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में खेलने वाला कौन कौन है। तो भाई जोस द बॉस जोस बटलर बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म खेलने वाला है, विकेट कीपिंग करने वाला है, कप्तानी करने वाला है, 5वें नंबर पे आपको बैटिंग करता हुआ दिखाई देने वाला है। राहुल सेम विकेट कीपिंग और 5वें नंबर पे खेलता हुआ आपको दिखाई देगा, साथ में विकेट कीपिंग भी इंडिया की तरफ से राहुल ही करने वाला है। जॉनी बेरेस्टो आपको ओपनिंग करता हुआ दिखाई देगा इंग्लैंड की तरफ से। तो ये तो आपको पता चल गया कि हाँ भाई ये खेलने वाले हैं, और विकेट कीपिंग कौन कौन करने वाला है वो भी आपको पता चल गया। अब भाई ये लेना किसको है तो वो डिसाइड करेगा कौन सी टीम टॉस विन करती है। भाई इंडिया टॉस जीता मैं बोलूँगा आप राहुल के साथ चले जाओ, ठीक है। इंग्लैंड टॉस जीता तो भी आप चाहो तो राहुल के साथ जा सकते हो। राहुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बोला कि दोनों कंडीशन में आप राहुल के साथ जा सकते हो। लेकिन फिर भी पता चल रहा है कि भाई रोहित कोहली गिल सॉरी अय्यर पता चल रहा है यही 4 के 4 चेस कर दें। तो सेकंड इनिंग में मैं बोलूँगा थोड़ा सा राहुल रिस्की रह सकता है सेकंड इनिंग में, पर सेकंड इनिंग में ही ज़्यादा राहुल चलता है ये भी आपको ध्यान रखना है। और सेकंड इनिंग में ही इंडिया के विकेट जाने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे जल्दी, तो भाई उस सेकंड इनिंग में भी आप राहुल को ट्राई कर सकते हो, रिस्क लेके खेलते हो। कोई भी टीम बॉलिंग करे बैटिंग करे राहुल के साथ आप इस मैच में जा सकते हो। आप बोलोगे ऐसा क्यों, तो भाइयों देखो समझा देता हूँ आपको। बटलर का फॉर्म अभी अच्छा नहीं है, बेरिस्टो का भी फॉर्म अभी अच्छा नहीं है, और इस पिच पे ज़्यादा बल्लेबाजों को हेल्प भी नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही इंग्लैंड आउट ऑफ फॉर्म है, जब श्रीलंका के सामने फ्लॉप हो रहे हैं तो भाई इंडिया के सामने कौन सी बड़ी बात है। इंडिया को तो बदला भी लेना है T20 वर्ल्ड कप का, तो वो चीज़ है भाइयों, है ना। तो बटलर और बेरिस्टो रहेंगे रिस्की सेफ पिक, चलने के ज़्यादा चांसेस किसके, राहुल के। तो मैं राहुल को ले रहा हूँ, अब चलेगा क्यों वो समझ लो। सामने वाली जो टीम है ना इंग्लैंड की उनमें नहीं है कोई भी लेफ्ट आर्म स्पिनर, और राहुल ज़्यादातर आउट होता है तो या फिर ज़्यादातर या फिर क्या बोलूँ कि राहुल अगर आउट होता है तो वो होता है लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ, और इंग्लैंड उठ के आ गया बिना लेफ्ट आर्म स्पिनर के इस ODI वर्ल्ड कप को खेलने के लिए। लियम डोसन इनके पास में था उसका ये अचार डाल रहे हैं भाई, मतलब यार आप वर्ल्ड कप खेलने आ रहे हो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं लेके आ रहे हो। सामने वाली इंडिया में देख लो आप कितने सारे राइटी हैं, कोहली रोहित गिल अय्यर सूर्या राहुल हार्दिक भाई पूरे तो राइटी हैं इंडिया में। अब इनको पता नहीं था कि हम इंडिया के सामने आ जाएंगे तो हमारे पास में लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के सामने आ जाएंगे तो हम साउथ अफ्रीका के सामने आ जाएंगे तो हमारे पास में लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है। साउथ अफ्रीका के कैसे राइट एंडर चल गए थे सारे के सारे इंग्लैंड के सामने। श्रीलंका का लास्ट मैच देख लो सारे के सारे राइट हैंडर चल गए, मैथ्यूज तक के चल गया, भले उसने बैटिंग से कुछ नहीं करा पर बॉलिंग से विकेट ले गया, था तो राइट ही ना, बैटिंग आती तो वो भी कूट देता। सदीरा चल गया, मेंडिस चल गया, निशंका चल गया, भाई राइट ही आउट ही नहीं हो रहे इंग्लैंड वालों से, क्यों लेफ्ट आर्म स्पिनर का ही अचार डाल रहे हैं। इंग्लैंड में पड़ा हुआ है वो बेचारा, इंग्लैंड में T20 लास्ट में वो बैक टू बैक मैचेस में 3-3 विकेट चटकाता है लेकिन उसका सिलेक्शन ही नहीं होता है। बिना लेफ्ट आर्म स्पिनर के खेलते हैं इंडिया में आके जहाँ पे स्पिनर्स को अच्छी हेल्प मिलती है, तो भाई यही होगा ना। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड थोड़ी ना है जहाँ पे आप फास्ट गेंदबाजों से वर्ल्ड कप जीत लो, भाई इंग्लैंड में मिलती है फास्ट गेंदबाजों को हेल्प, तो वहाँ पे इनने जलवे दिखा दिए अपने। पर आप इंडिया में आए थे तो आपको एक लेफ्ट आर्म स्पिनर लाना चाहिए था, इंग्लैंड के मैनेजमेंट को बोल रहा हूँ, ठीक है भाई। उनको समझ में नहीं आएगी हिंदी,
आप ट्रांसलेट करके अगर मैसेज पहुंचा दो तो पहुंचा देना। तो भाई ये राहुल के चलने के चांसेस है क्योंकि सामने वाली टीम में नहीं है कोई भी लेफ्ट आर्म स्पिनर। बैटिंग आएगी, कूट के रख देगा, चटनी बना देगा। और मुझे लग रहा है कि राहुल की बैटिंग जल्दी आपको इस मैच में दिखाई दे सकती है, क्यों आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो सेफ पिक कौन है? राहुल, साथ में विकेट कीपिंग भी करा इंडिया से, इंडिया के जीतने के ज़्यादा चांसेस है। तो भाई विकेट कीपिंग से ही पता चल रहा बेरिस्टो और बटलर से ज़्यादा पॉइंट ले लें, जैसे मेंडिस ने ले लिए थे लास्ट मैच में, याद है ना, श्रीलंका जीती थी तो मेंडिस को रन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी भाई, वो वैसे ही 60 पॉइंट ले गया था विकेट कीपिंग से ही। तो वही चीज़ मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि भाई राहुल भी इंडिया के जीतने के ज़्यादा चांसेस है, स्टंपिंग वगैरह, कैच वगैरह, रन आउट, सब तरीके से आपको पॉइंट दिला सकता है विकेट कीपिंग से, साथ में बैटिंग इस मैच में आने के चांसेस है। ठीक है, क्यों है भी आपको आगे समझ में आएगा। तो भाइयों दोनों ही कंडीशन में इंपॉर्टेंट राहुल है, इसलिए मैं राहुल के साथ जा रहा हूँ। बाकी अगर आप रिस्क लेके खेलते हो तो भाई सेकेंड इनिंग में आप ड्रॉप भी कर सकते हो, पता चल रहा है कोहली, रोहित, गिल, अय्यर यही पूरा मैच ही खत्म कर दे, राहुल को बैटिंग करने का मौका ही ना मिले। वो पता चल रहा है विकेट कीपिंग से कैच वैच भी नहीं गए थे राहुल के पास में, तो उस कंडीशन में क्या बटलर या बेरिस्टो को ट्राई कर सकते हो। समझ गया भाइयों करना क्या है, राहुल इंपॉर्टेंट है, राहुल के साथ जाओ मैं बोलूंगा। बाकी बटलर का फॉर्म अभी सही नहीं है और बेरिस्टो का भी फॉर्म अभी सही नहीं है, मुझे लग रहा है मोहम्मद शमी या फिर बुमराह बेरिस्टो को उड़ा देंगे। बटलर को मिडिल ऑर्डर में स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर कौन है अपना, जडेजा, वो उड़ा देगा या फिर कुलदीप उड़ा देगा क्योंकि इस पिच पे स्पिन होने वाली है गेंद, है ना। तो बटलर को भी ड्रॉप कर रहा हूँ, बेरिस्टो को भी ड्रॉप कर रहा हूँ। ले चलता हूँ आपको बैटिंग सेक्शन में, बैटिंग सेक्शन में आ गया भाई। बैटिंग सेक्शन में किसको लेना है उससे पहले बात कर लेते हैं कौन खेलने वाला है। रोहित शर्मा खेलने वाला है, विराट कोहली खेलने वाला है, स्टॉक्स खेलने वाला है, रूट खेलने वाला है, गिल खेलने वाला है, अय्यर खेलने वाला है, मलान खेलने वाला है, यादव के भी इस मैच में लगभग नहीं, यादव का मैं कंफर्म नहीं बोलूंगा भाई, सूर्य कुमार यादव को रेस्ट दिया जा सकता है। बोलोगे ऐसा क्यों? तो भाई देखो इस मैच में अश्विन का खेलना लगभग 101% इस मैच में कन्फर्म है। तो अश्विन आएगा किसकी जगह पे? या तो सूर्या भाई, या तो मोहम्मद सिराज, या मोहम्मद शमी, इन तीन प्लेयर में से किसी एक को बिठा के अश्विन को लेके आएंगे। ठीक है, तो हो सकता है सूर्या आज ना खेले, बाकी हैरी ब्रुक को भी मौका दिया जा सकता है, पर देंगे किसकी जगह पे? मोइन अली को इस मैच में मुझे लग नहीं रहा कि रेस्ट दें, तो हैरी ब्रुक को फिर से शायद, या फिर बेरिस्टो को रेस्ट दे दिया जाए, उसकी जगह पे फिर आ सकता है हैरी ब्रुक। बात कर ली जाए भाइयों बैटिंग सेक्शन में कौन कितना इम्पोर्टेंट है और किसको मैं लेने वाला हूँ। ठीक है भाइयों, तो भाइयों देखो इंग्लैंड की टीम पिट रही है राइट हैंडर्स बल्लेबाजों से और इंडिया में है ही राइट हैंडर्स। तो भाइयों कोहली, रोहित और गिल, और यहाँ से श्रेयस अय्यर, और यहाँ से सूर्या, सबके सब राइटी हैं और राइटियों से ही पिट रही है इंग्लैंड की टीम। तो भाइयों आज के मैच में आप चाहो तो कोहली, रोहित, गिल तीनों को अपनी टीम में शामिल कर सकते हो, खासकर ये दोनों ही कंडीशन में इम्पोर्टेंट रहेंगे। कोई भी टीम बैटिंग करे या बॉलिंग करे दोनों ही कंडीशन में इम्पोर्टेंट रहेंगे, ज़्यादातर ये इम्पोर्टेंट रहेंगे पहले बैटिंग में। अब बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि भाई देखो सेकेंड इनिंग में होगा क्या कि अंडर लाइट में है ना, देखा था ना आपने ऑस्ट्रेलिया के विकेट कैसे चले गए थे श्रीलंका के खिलाफ, डी मधुशंका ने तीनों को उड़ा दिया था। तो वही चीज़ है, अंडर लाइट में फास्ट गेंदबाजों को स्विंग मिलेगी, तो इनके पास में स्विंग के मास्टर हैं इंग्लैंड के पास में, फास्ट गेंदबाज तो बहुत अच्छे अच्छे हैं इनके पास में, पर स्पिनर नहीं लाए हैं बेचारे वही कमी के वजह से ये हारते जा रहे हैं, क्योंकि राइट हैंडर आउट हो ही नहीं रहे इनसे। आदिल राशिद थोड़ी करता राइटियों का आउट, गलती से हो जाए तो हो जाए, अपनी गलती से अगर आदिल राशिद की विकेट पे आ जाए, आदिल राशिद को विकेट मिल जाए तो मिल जाए। तो भाई वो इंडिया में राइट ही जाता है इसलिए, और क्या है कि फॉर्म भी बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। तो पहले बैटिंग अगर इंडिया की इंडिया करती है तो भाई मैं बोलूँगा आप यहाँ से रोहित, कोहली और गिल तीनों को ले लो, तीनों को ले सकते हो, या फिर अगर आप ग्रैंडिंग में रिस्क लेते हो तो भाई चारों को ले लो, श्रेयस अय्यर को भी ले सकते हो आप, चारों ले सकते हो। पता चल रहा है इंडिया के जो पांच है
पहले बैटिंग में इंडिया का स्कोर बन गया 400, और जो पांच थे उनमें से दो ने किसी तीन ने 50-50 बना दिए, दो ने 100-100 बना दिए, तो कितने रन हो गए 350। बाकी 50-1 रन अश्विन जडेजा ये भी बना देंगे। तो समझ में आई कहानी? आज इंडिया के राइट हैंडर कूटने वाले हैं इनको, ठीक है, खासकर पहले बैटिंग में। सेकंड बैटिंग में इसलिए नहीं क्योंकि सेकंड इनिंग में स्विंग, डेविड विली और क्रिस वॉक्स को स्विंग मिलेगी आज, तो हो सकता है उस कंडीशन में रोहित शर्मा अपना विकेट फेंक जाए, शुभमन गिल चला जाए, विराट कोहली चला जाए, इंडिया का टॉप ऑर्डर तेज नेस हो जाए। सेकंड इनिंग में नहीं बोलूँगा, पहले बैटिंग में आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। या फिर भाइयों देखो, ऐसा भी होता है कि यहाँ पे ड्यू भी आ जाती है, तो ड्यू फैक्टर में इंडिया के बल्लेबाज ऐसे चमकते हैं आउट ही नहीं होते, खासकर रोहित ड्यू फैक्टर का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाता है भाइयों, आउट ही नहीं होता है। कोहली भी वही करता है, ड्यू फैक्टर का फ़ायदा उठा लेता है। तो सेकंड इनिंग में भी आप इन तीनों को ट्राई कर सकते हो, कौन, रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल। ये कहानी तो आपको पूरी समझ में आ गई कि भाइयों इंडिया की तरफ से राइट हैंडर आज इम्पोर्टेंट रहेंगे, खासकर पहले बैटिंग में, ठीक है। तो अभी मैं किस किस को ले रहा हूँ, अभी के लिए मैं तीनों को ही रख रहा हूँ अभी के लिए। ये स्मॉल लीग की टीम है, ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन आपको अलग दिखाऊंगा मैं कैसे आपको बनाना है। बाकी बात की जाए भाइयों इंग्लैंड की तरफ से किसको लेना है, तो चाहो तो बेन स्टोक्स को ट्राई कर सकते हो, अच्छा बल्लेबाज है, एक्सपीरियंस प्लेयर है और इंडिया के खिलाफ रन बनाता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बेन स्टोक को आउट करने के लिए अश्विन खेलेगा, तो अश्विन की बॉल पे आज लग रहा है कि बेन स्टोक जल्दी चला जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं बेन स्टोक को नहीं ले रहा हूँ। अगर अश्विन नहीं खेलेगा तो मैं बेन स्टोक को ले लूँगा, भले मुझे रोहित कोहली किसी को भी हटाना पड़े, अगर अश्विन नहीं खेला तो मैं बेन स्टोक को ले लूँगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अश्विन नहीं खेला तो इंग्लैंड के लेफ्टियो को पटक लेना अपनी टीम में, ठीक है। अगर अश्विन ना खेला तो, वैसे तो पूरे पूरे चांसेस है कि इस मैच में अश्विन खेलने वाला है। बात रही जॉय रूट की, तो भाई जॉय रूट भी यार वैसे तो लास्ट मैच में यार रनआउट हुआ, पर भाई इससे पहले भी मैचों में ना इसने कुछ खास किया नहीं है, विकेट फेंक के चला जाता बेमतलब का, ऑफ स्पिनर गेंदबाज पे आउट हो जाता है ये, ठीक है, जिनको राइट हैंडर्स मारते हैं ये उनकी गेंद पे आउट हो जाता है आजकल। तो रूट पुराना जैसा नहीं रहा है भाई, रूट बदल चुका है। रूट को भी भाई मैं बोलूँगा आप ड्रॉप कर सकते हो, मुझे लगता है रविंद्र जडेजा आके पहले ओवर में आउट कर देगा, लेफ्ट आर्म स्पिन पे इसके विकेट जा रहे हैं, साथ में लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज भी इसको उड़ा रहे हैं, ठीक है, और ये खुद ही अभी रनआउट भी होके चला जाता है। लेकिन हाँ आपको एक बात बता दूं, ये लास्ट मैच में रनआउट हुआ है, गुस्से में होगा, पता चल रहा है कि इस मैच में शतक ठोक दे। डेविड वॉर्नर रनआउट हुआ था, अगले मैच में क्या हुआ था याद है ना आपको, गुस्से में गया था, एम्पायर ने नॉट आउट का आउट दे दिया था, फिर अगले मैच में शतक आया था, तो भाई ये भी गुस्से में गया था, पता चल रहा है गुस्से में इंडिया पर गुस्सा निकाल दे जॉय रूट, इस मैच में शतक वतक ठोक दे, पता चल रहा है लेफ्ट आर्म स्पिन राइट आर्म स्पिन सब कुछ खेल जाए, लेफ्ट आर्म चाइना मैन सबको खेल जाए। तो रूट पे थोड़ा सा ध्यान रखना, गुस्से में खेल के इस मैच में कुछ बड़ा काम करके दे सकता है। प्लस आपको एक बात बता दूंगी भाई, पिच पे स्पिनर्स को हेल्प है तो रूट हो सकता है इस मैच में कुछ आपको ओवर बॉलिंग भी डालता हुआ दिखाई दे दे, क्योंकि स्पिन फ्रेंडली विकेटों पर यह बॉलिंग डालता है, समझ गए। बाकी बात की जाए भाइयों श्रेयस अय्यर की, तो वही मैंने बोला इंडिया की तरफ से राइट इंपॉर्टेंट है, आप एक हाथ को ड्रॉप करके चाहो तो श्रेयस अय्यर को ले सकते हो, चाहो तो श्रेयस अय्यर को भी ले सकते हो, चार बल्लेबाज भी ले सकते हो। 50 ओवर का मैच है भाइयों, 50 ओवर में 10-10 11वें नंबर के गेंदबाज आके रन बना के ड्रीम टीम में घुस जाते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। T20 नहीं है यहाँ पे, दो बल्लेबाज पूरा 20 ओवर नहीं खेल सकते, यहाँ पे कम से कम 7-8 बल्लेबाज चाहिए खेलने के लिए, ठीक है। तो श्रेयस अय्यर को भी आप चाहो तो स्मॉल लीग में ले सकते हो, सूर्या को भी ले सकते हो भाई अगर खेले तो, क्योंकि वही राइट इनके पास में लेफ्ट आर्म स्पिनर ही नहीं है, जिसपे सूर्या भाई भी ज़्यादातर आउट होते थे वो भी इनके पास में नहीं है। सूर्या भाई का अभी ODI का करियर क्यों खराब चल रहा है, क्यों, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म स्पिन पे आउट होते रहते हैं, लेकिन सामने वाली टीम में वो चीज़ ही नहीं है, लेफ्ट आर्म स्पिनर ही नहीं है। तो भाइयों सूर्या भाई भी अगर खेलेंगे तो लंबे जा सकते हैं। इंडिया के राइट हैंडर्स आज कूटने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, इतना आप ध्यान में रखो। अब कौन से कूटेंगे भाई, बैटिंग फर्स्ट में तो मुझे लग रहा है कि पांचों ही कूट देंगे, पांचों ही ड्रीम टीम में घुस सकते हैं अच्छे खासे पॉइंटों के साथ में, 400 इंडिया बना सकता है अगर पहले बैटिंग आ गई इंडिया की, तो इसी ध्यान रखना है। सेकंड बैटिंग में नहीं बोलूंगा,
सेकेंड इनिंग में क्या है, स्विंग मिलेगी गेंदबाजों को अंडर लाइट में, तो उसमें क्या है फास्ट गेंदबाज काम कर सकते हैं। फर्स्ट बैटिंग में नहीं बोलूँगा भाई, फर्स्ट बैटिंग में क्या है धूप निकलेगी, ज़्यादा मूवमेंट मिलेगा नहीं गेंदबाज को, स्पिनर्स ज़्यादा हावी रहेंगे फर्स्ट बॉलिंग में, ठीक है। तो यहाँ से मैंने लिए भाई अभी सिर्फ 3 बल्लेबाज अपनी स्मॉल लीग टीम में, चाहता तो मैं यहाँ से 5 को भी रख सकता था, ऐसा भी मैं कर सकता था, ठीक है, ऐसा भी इस मैच में हो सकता है, क्योंकि भाई है ही नहीं ना वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है ही नहीं जिसपे इंडिया के राइट हैंडर्स आउट हो, पर मैं फिर भी अभी के लिए 3 रख रहा हूँ क्योंकि यार मुझे गेंदबाज और ऑलराउंडर्स भी लेना है इस मैच में। तो भाई अभी के लिए मैंने यहाँ से 3 बल्लेबाज लिए हैं, कोहली, रोहित और गिल, तीनों को लिया है आज मैंने। सेकेंड इनिंग में ड्रॉप कर सकता हूँ, बता दूंगा आपको किस किस को ड्रॉप करूंगा। तो भाइयो और किसी को नहीं ले रहा मैं, हाँ अगर अश्विन नहीं खेलेगा तो यहाँ से बेन स्टोक्स और डेविड मलान को भी मैं ले लूंगा, या फिर इंडिया के हटा के बेन स्टोक्स और मलान को ले लूंगा अगर अश्विन नहीं खेला तो। गलती करी रोहित शर्मा ने तो मैं फायदा उठा लूंगा, मैं लेफ्टियों को उठा लूंगा, ठीक है भाइयों। तो चलते हैं ऑलराउंडर्स में, बैटिंग सेक्शन का आपको सबका समझा दिया मैंने, ऑलराउंडर्स में आ गए हैं। तो भाइयों हार्दिक पांड्या तो नहीं है, बहुत बड़ा झटका लगा इंडिया को, मतलब पूरा बैलेंस खराब करके चला गया है, ठीक है यार उसकी गलती नहीं यार, कोई प्लेयर थोड़ी सा आएगा कि वो ओडीआई इतना बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें ना खेले। ऑलराउंडर्स में आ गए भाइयों, बात कर लेते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से ऑलराउंडर्स इस मैच में खेलने वाले हैं। जड्डू खेलने वाला है, मोइन अली खेलने वाला है, सीएसके के दोनों प्लेयर, साथ में अश्विन खेलने वाला है, अश्विन भी पहले सीएसके में रह चुका है, डेविड विली खेलने वाला है, लियम लिविंगस्टोन को इस मैच में खिलाना पड़ेगा क्योंकि पिच पे स्पिनर्स को हेल्प है, सेम कुरियन को पता नहीं क्यों मौका नहीं दे रहे, क्या पागल हो गए हो तुम इंग्लैंड वालों, सेम कुरियन ने अच्छा गेंदबाज आईपीएल में सबसे महंगा प्लेयर उसी को उसको खिलाते नहीं है ये लोग, दिमाग से पैदल है भाई। सेम कुरियन खेलेगा तो लेना है, ध्यान रखना दोनों ही कंडीशन में, सेम कुरियन बहुत ज़बरदस्त है, सेम कुरियन खेले तो लेना है 20 टीम में, बस इसको नोट करके कहीं भी रख लो, पर ये मुझे लग रहा है कि बटलर नहीं खिलाएगा। चलो भाई वो बात कर ली जाए कि ऑलराउंडर सेक्शन में किस किस को लेना है, क्यों लेना है। तो भाई वो देखो मैं मान रहा हूँ कि अश्विन खेल रहा है, इसलिए मैं सबसे पहले अश्विन को ले रहा हूँ। अश्विन देखो भाई राइट हैंडर भी है, पता चल रहा है इंडिया का टॉप ऑर्डर उड़ जाए, खासकर सेकेंड इनिंग में उड़ सकता है स्विंग की वजह से, डेविड विली और बॉक्स विकेट ले सकते हैं सेकेंड इनिंग में, अंडर लाइट में बॉल स्विंग होगी तो हो सकता है आपको अश्विन रन भी बना के दे फिर, खासकर सेकेंड बैटिंग में। फर्स्ट बैटिंग में भाई पता चल रहा है बैटिंग ही नहीं आए, पर मैंने आपको बताया ना 50 ओवर का मैच है, नीचे का 11वां नंबर का प्लेयर भी रन मारता है, तो उस कंडीशन में क्या है आपको अश्विन रन भी बना के देगा और फिर क्या है सेकेंड इनिंग में आपको आके विकेट भी निकाल के देगा। अश्विन भाई दोनों इनिंग में इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इनिंग में भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो भाई धूप निकलेगी, पिच रहेगी ड्राई, विकेट पे स्पिनर्स को और भी ज़्यादा टर्न मिलेगा, और लखनऊ फेमस है यार भाई स्पिनर्स के नाम से, लखनऊ बहुत फेमस है, यहाँ पे स्पिनर्स का बोलबाला रहता है, स्पिनर्स को टीम में डालो, मैच को अपनी जेब में डालो, ठीक है भाई हो? तो जेब में डाल लिया है मैच, बात कर लीजिए भाइयों आप आगे। तो अश्विन का मैंने आपको समझा ही दिया भाइयों, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस क्या है कि लेफ्टी ज़्यादा है यार, अगर आप देखोगे पहला कौन है बेरिस्टो, उसके साथ में कौन है मलान लेफ्टी, तीसरा कौन है रूट राइटी, चौथा कौन है बेरिस्टो लेफ्टी, पांचवा कौन है बटलर, छठा कौन है मोइन अली लेफ्टी, एक लेफ्टी एक राइटी, एक लेफ्टी एक राइटी, इनका ऐसा बनी हुई है लाइनअप, उसमें डेविड विली भी एक लेफ्टी। तो भाइयों ऊपर से 1 से लेकर 8 तक के 4 लेफ्टी आएंगे, तो उन लेफ्टियों को उड़ाने के लिए अश्विन को इस मैच में खिलाना ज़रूरी है, अगर रोहित शर्मा ने लापरवाही कर दी थोड़ी सी भी भाई भुगतना पड़ सकता है, बहुत भारी पड़ सकता है, फिर वो होगा क्या कि आप ये करना काम इंडिया के राइटी उठाना और इंग्लैंड के लेफ्टी उठाना, क्योंकि इंडिया में फिर पता चल रहा है इंडिया की तरफ ऑफ स्पिनर नहीं खेल रहा है, इनकी तरफ से लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं खेल रहा है, तो समझ के करना क्या रहेगा, उस कंडीशन में फिर हो जाएंगे इंग्लैंड के लेफ्टी इंपॉर्टेंट,
और इंडिया के राइट ही तो इम्पोर्टेंट है ही, है ना। वैसे मुझे लगता है कि रोहित शर्मा खिला लेगा आज अश्विन को, इसलिए मैं अश्विन को ले रहा हूँ। ठीक है भाइयों, अश्विन को लिया है, अब और किसको ले रहा हूँ वो बता देता हूँ। तो भाइयों अब मैं ले रहा हूँ यहाँ से रविंद्र जडेजा को। जडेजा को क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो एक लेफ्टी एक राइटी, एक लेफ्टी एक राइटी, तो राइटी भी है सामने वाली टीम में, चार लेफ्टी है तो सात राइटी भी हैं। ठीक है, तो उन राइटी को आउट करने के लिए कौन, रविंद्र जडेजा। पिच पे स्पिनर्स को हेल्प है भाई, इंडिया के पीछे रविंद्र जडेजा आग उगलता है। ठीक है, इंडिया में विकेट लेस नहीं जाता जडेजा, बहुत मुश्किल से जाता है, और जिस दिन जाता है उस दिन रन मार देता है, क्योंकि उस दिन इंडिया के हारने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं जिस दिन जडेजा को विकेट नहीं मिलता है। तो इंडिया हारेगी तो फिर जडेजा की जल्दी बैटिंग आएगी, पता चल रहा है, इंडिया को हारने से बचा ले जडेजा, रन मार दे। तो भाई वो जडेजा को तो आपको लेना पड़ेगा ही, और पिच पे स्पिनर्स को हेल्प भी मिलने वाली है फर्स्ट इनिंग में भी सेकेंड इनिंग में भी, दोनों ही कंडीशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, खासकर फर्स्ट बॉलिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि धूप में ज़्यादा और भी बॉल स्पिन होने वाली है आज। तो जड्डू और अश्विन इम्पोर्टेंट है, दोनों इंडिया के, एक ऑफ स्पिनर और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर। अब और किसको लेने वाला हूँ, तो भाई वो देखो अब ये जो है डिसीजन वो लूंगा मैं टॉस के बाद। बोलोगे भाई ऐसा क्यों, तो देखो भाई मोइन अली है एक, वैसे ऑफ स्पिनर है, मुझे नहीं लग रहा कि भाई राइट हैंडर्स को आउट करें, पर हाँ इस पिच पे स्पिनर्स को टर्न मिलती है, यहाँ गेंद डालेगा यहाँ घुसेगी, तो उसमें रोहित कोहली गिल भी फंस सकते हैं। ठीक है, और मोइन अली को मैंने देखा है विराट कोहली को आउट करते हुए, मोइन अली को मैंने देखा है रोहित शर्मा को आउट करते हुए, और रोहित शर्मा को मैंने देखा है ऑफ स्पिन पे आउट होते हुए, विराट कोहली को देखा है मैंने ऑफ स्पिन पे आउट होते हुए। तो वैसे तो चलने के चांसेस कम है, पर ये जो इंडिया का टॉप ऑर्डर है ना वो स्पिन को खेलता सही नहीं है। ठीक है, पर क्या है कि वही लेफ्ट राइट की बात आ जाती है ना, तो कप्तान लगाता नहीं है बॉलिंग पे कौन, बटलर, अगर राइट ही स्ट्राइक पर रहेंगे तो भाई मुश्किल है कि मोइन अली को बॉलिंग मिले, और इंडिया में राइट ही तो है, पता चल रहा है मोइन अली को रेस्ट ही दे दिया जाए, मोइन अली की जगह पे सेम कुरेन को खिला लिया जाए, क्योंकि राइट ही जाता है, पर पिच पे स्पिनर्स को हेल्प ज़्यादा है तो उस कंडीशन में खेल सकता है। ठीक है, और अगर अश्विन नहीं खेलेगा तो फिर मोइन अली को बैटिंग से भी अच्छा, इस मैच में आपको मोइन अली बैटिंग से भी करता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि लेफ्टी रहेगा और उस टाइम पे आएगा जिस टाइम पे स्पिनर्स बॉलिंग डालते रहेंगे, तो स्पिन को अच्छा खेल लेगा, जडेजा को मार देगा, है ना, अश्विन को नहीं मार पाएगा, ध्यान रखना मोइन अली, तो बैटिंग से इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर अश्विन नहीं खेलता है तो। ठीक है भाइयों, बाकी बात रही लिविंग स्टोन की, तो भाइयों मैं बोलूंगा इस मैच में आप लिविंग स्टोन को दोनों ही कंडीशन में ट्राई कर सकते हो, पहले बैटिंग में भी बाद में बैटिंग में भी। क्यों, ये लेफ्टियो को भी आउट करता है राइटियो को भी आउट करता है, ये लेग स्पिन भी डालता है ये ऑफ स्पिन भी डालता है, वैसे इंडिया में ज़्यादा राइट हैंडर से तो आपको आज ये लेग स्पिनर की तरह खेलता हुआ दिखाई देने वाला है, साथ में बैटिंग भी तगड़ी करता है, रन मारता है भाइयों, वैसे इस वर्ल्ड कप में कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ 110 ही पॉइंट है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि भाई इस मैच में आपको 210 पॉइंट भी दिला सकता है, 20% सिलेक्शन है सिर्फ। लिविंग स्टोन आज के मैच में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है भाइयों। ठीक है, तो लेना कब है मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, चाहो तो अभी ले सकते हो आप, मैं भी ले सकता हूँ, पर क्या अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, अभी मैं किसको ले रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी देखो भाइयों, मैं आपको समझा दूं क्लियर, अगर इंग्लैंड की टीम सेकंड बॉलिंग में बॉलिंग डाल रही है, इंग्लैंड की टीम ने पहले बैटिंग करी और सेकंड इनिंग में बॉलिंग कर रही है, या फिर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है, तो मैं डेविड विली को नहीं लूंगा। डेविड विली को कब लूंगा, सेकंड बॉलिंग में, क्योंकि ये है स्विंग का मास्टर। ठीक है, इसके पास में ज़्यादा पेस नहीं है, ज़्यादा रफ्तार नहीं है इसके पास में, स्विंग कराता है ये, और अंडर लाइट में वही बॉल काम आती है, तो अंडर लाइट में ये खुखार हो जाएगा, जैसा लास्ट मैच में श्रीलंका के दो ले लिए थे ना शुरू में, वैसे इंडिया के भी ये 3-1 ले सकता है अंडर लाइट में, और इंडिया के जो प्लेयर हैं वो लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज पे फंसते हैं, आउट होते हैं वो। ठीक है, तो भाई वो सेकेंड बॉलिंग में डेविड विली को लेना है, ध्यान में रखना इस चीज़ को, फर्स्ट इनिंग में रन भी मार के दे सकता है और सेकंड इनिंग में विकेट लगभग लगभग कंफर्म रहेगा कि मिल जाएगा। ठीक है,
तो डेविड विली को कब लेना है इंग्लैंड की टीम, अगर पहले बैटिंग कर रही है तो, पहले बॉलिंग कर रही है तो मैं बोलूंगा ड्रॉप कर दो, ठीक है। तो डेविड विली का समझ में आ गया होगा आपको। सेम कुरेन खेलेगा तो दोनों ही कंडीशन में ले सकते हो, क्योंकि इसका ऐसा है कि 5 ओवर शुरू में, 5 ओवर देत में, साथ में फिर ये बैटिंग भी अच्छी करता है, ठीक है। इंडिया में रन मारता है, हर जगह रन मारता है, पता नहीं खिला क्यों नहीं रहे यार। ऑलराउंडर अच्छा है, बहुत अच्छा ऑलराउंडर है सेम कुरेन, ठीक है। सेम कुरेन हो सकता है मोइन अली की जगह पे आज आपको खेलता हुआ दिखाई दे, क्योंकि इंडिया में राइट ही ज़्यादा है। तो अगर सेम कुरेन खेलेगा तो दोनों कंडीशन में लेना है, पूरी विश टीम में भी रख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट रहेगा, समझ गए। बॉलिंग फर्स्ट में भी, सेकंड बॉलिंग में भी, सेकंड बॉलिंग में पावर प्ले में अंडर लाइट में स्विंग मिलेगी अच्छी, फर्स्ट बॉलिंग में क्या रहेगा पावर प्ले में 5 ओवर हवा चली शुरू में तो विकेट मिल जाएंगे, नहीं तो डेथ ओवर्स में 5 ओवर डालेगा, जैसे बोल्ट ने कल डाले थे, बोला था ना मैंने आपको भाई डेथ ओवर्स में विकेट आते हैं, भले बंदे के 9 ओवर फीके चले आए लेकिन वो 1 ओवर में ही आखिरी के ओवर में काम कर जाता है, अगर वो 50वां ओवर डाल रहा है या फिर वो 49वां ओवर डाल रहा है। तो ये डेथ ओवर्स में बॉलिंग आपको फर्स्ट बॉलिंग में करता हुआ दिखाई देगा, साथ में सेकंड बॉलिंग में आपको ये अंडर लाइट में गेंदबाजी करता हुआ दिखाई देगा सेम कुरेन, ठीक है भाइयों। तो अभी के लिए मैंने सिर्फ 2 ऑलराउंडर लिए और किसी को मैं नहीं ले रहा हूँ। अब ले चलता हूँ आपको बॉलिंग सेक्शन में, बॉलिंग सेक्शन में आ गया हूँ। मुझे लगता है भाइयों सिराज की जगह पे अश्विन खेलेगा, इसलिए मैं सिराज को अभी कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, ना ले रहा हूँ ना आपको कुछ बता रहा हूँ सिराज के बारे में। बात की जाए भाइयों बुमराह, शमी, यादव, ये तीनों खेलने वाले हैं इस मैच में। शमी को पता चल रहा भाई, शमी को ना खिलाए सिराज के साथ, कंटिन्यू कर ले फिर, क्योंकि मैंने देखा है रोहित को हर वीडियो में बताता हूँ आपको, वो शमी से पहले सिराज को खिलाता है, लास्ट मैच में पता चल गया उनको कि नहीं भाई शमी को हम गलत बिठा रहे थे, 5 विकेट ले गया शमी, और मैंने बोला था सी बनाना भाई, वही हुआ था, शमी भाई ने 5 निकाले थे। तो वैसे तो भाई देखो शमी को खिलाना चाहिए, पर रोहित शर्मा का दिमाग अभी थोड़ा उल्टा चल रहा है, वो सिराज को ज़्यादा पसंद कर रहा है, तो पता चल रहा है शमी बैठ जाए, क्योंकि अश्विन को तो भाई इस मैच में खिलाना पड़ेगा आपको, नहीं खिलाओगे तो महंगा पड़ सकता है आपको, जीत का जो रिदम है ना वो इंग्लैंड तोड़ सकती फिर आपका, ठीक है। तो शमी और सिराज में से कोई एक खेलेगा, मुझे लगता है कि शमी खेलेगा, या फिर हो सकता है कि भाई सूर्या बैठ जाए तो फिर शमी सिराज दोनों ही खेल रहे हैं, जब ये दोनों खेलेंगे ना तो आपको फिर एक को लेना पड़ेगा बॉलिंग फर्स्ट में या सेकंड बॉलिंग में, किसको लेना होगा वो मैं आपको समझा दूंगा। बाकी मार्क वुड का कन्फर्म है इस मैच में खेलना, आदिल राशिद भी आपको खेलता हुआ दिखाई देने वाला है, क्रिस वोक्स भी आपको इस मैच में खेलता हुआ दिखाई देने वाला है, शार्दुल ठाकुर बड़े मैच का प्लेयर है, बचा के रखेगा रोहित शर्मा, ठीक है, आज नहीं खेलेगा शार्दुल ठाकुर। बाइडेन कार्स को हो सकता है भाई ये मौका दे दे, क्योंकि इंग्लैंड के पास में कुछ पाने के लिए है नहीं है, खोने के लिए कुछ है नहीं है, तो पता चल रहा है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अब ये लोग, बॉक्स को बिठा रहे हैं, बाइडेन कार्स को ला रहे हैं, पता चल रहा है मार्क वुड को बिठा रहे हैं, अटकिंसन को लेके आ रहे हैं, तो ये हो सकता है, ठीक है। तो बात कर ली जाए भाइयों बॉलिंग सेक्शन में किस किस को लेना है। तो भाइयों देखो वो डिसाइड करेगा कौन सी टीम पहले बैटिंग कर रही है, बॉलिंग कर रही है, कौन सी टीम टॉस विन कर रही है, तो दोनों ही कंडीशन में ऐसे कौन से गेंदबाज है जिनको आपको लेना ही है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर बाद में आपको समझाता हूँ कि भाई वो बॉलिंग फर्स्ट में ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड बॉलिंग में ये इंपॉर्टेंट है। देखो भाई अगर दोनों ही कंडीशन में आपको एक गेंदबाज जरूर लेना है, बॉलिंग फर्स्ट में भी सेकंड बॉलिंग में भी, सोचो कौन है वो, एक कमेंट कर देना, जल्दी से कमेंट कर दो एक कि भाई इसको लेना है, इसको लोगे आप, बताओ किसको लूंगा मैं, एक कमेंट भी हो जाएगी, एक लाइक भी ठोक देना साथ में, कल ग्रैंड लीग जितवाई, परसों जितवाई, आज भी जितवा रहा हूँ, एक लाइक ठोक देना भाई, लाइक का बटन ठोक के जाओगे हो सकता है आप ही ग्रैंड लीग लेके आओगे, ठीक है, साथ में कमेंट ठोकोगे पता चल रहा है आप ही आज ग्रैंड लीग विन कर रहे हो, लाइक कमेंट करने वाले ज़्यादा जीतते हैं भाई, तो बता दो है ना। चलो मैं बता देता हूँ भाई कि मैं किसको लेने वाला हूँ दोनों ही कंडीशन में, समझ गए होंगे आप,
समझ गए। चलो सबसे पहले लेने वाला हूं भाइयों बॉलिंग सेक्शन में, यहां से मैं कुलदीप यादव को, कुलदीप यादव को क्यों लूंगा, देखो भाई ये चाइना मैन है, इसके सामने लेफ्टी हो या राइटी हो ये आउट कर देता है। फर्स्ट बॉलिंग में भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि धूप की वजह से, सूरज की गर्मी से पिच हो जाती है ड्राई, तो फर्स्ट इनिंग में आपको गर्मी की वजह से टर्न मिलेगा, प्लस इस पिच की प्रकृति है नेचुरल है भाई, यहाँ पे स्पिनर्स को टर्न मिलता है ठीक है। तो कुलदीप यादव प्लस इंडिया के जीतने के चांसेस से ज़्यादा, बदला भी तो लेना है इंग्लैंड से, वर्ल्ड कप से बाहर किया था इनने अभी रिसेंटली T20 में, तो इंडिया के जीतने के चांसेस है। तो भाई इंडिया का लेफ्ट आर्म चाइना मैन स्पिनर, ये लेफ्टी को भी आउट करता है राइटी को भी आउट करता है, चाइना में नहीं दोनों तरफ से टर्न कराता है ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, लेना ही पड़ेगा भाइयों दोनों ही कंडीशन में ठीक है, सेकंड बॉलिंग में भी फर्स्ट बॉलिंग में भी कुलदीप को रखना ही है ठीक है भाइयों। कुलदीप का समझा दिया, साथ में कुलदीप रन भी बनाता है, पता चल रहा बैटिंग मीटिंग आ जाए तो आपको चौके छक्के भी मार के दे रहा है। 50 ओवर का मैच है भाई, पॉसिबल है बैटिंग आ सकती है। अब एक ऐसा गेंदबाज जिसको आपको दोनों कंडीशन में लेना है तो उसका नाम बता दूं भाइयों आपको मैं, उसका नाम है जसप्रीत बुमराह, बुम बुम ठीक है भाइयों। और शमी अगर खेलता है, सिराज नहीं खेलता तो भाई आप शमी के भी साथ जा सकते हो दोनों कंडीशन में, लेकिन अगर सिराज अगर खेलता है तो भाई मैं बोलूँगा आप सेकेंड बॉलिंग में शमी को ड्रॉप कर सकते हो, फर्स्ट बॉलिंग में ना करना ये गलती, गलती से भी ना करना। क्यों? क्योंकि फर्स्ट बॉलिंग में ये डालता है, डेथ ओवर्स में गेंदबाजी साथ में आता है 10 ओवर के बाद में बॉलिंग करने, तो उस कंडीशन में विकेट आने के थोड़े ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो अगर सिराज नहीं खेला तो फिर क्या होगा, बुमराह और शमी पावर प्ले में बॉलिंग डालेंगे प्लस डेथ में बॉलिंग डालेंगे, तो दोनों ही कंडीशन में फिर इम्पोर्टेंट हो जाएंगे ठीक है। तो अब वो देखना पड़ेगा भाइयों, पता चल रहा है कि सिराज भी खेले और शमी भी खेले तो फिर क्या है, सिराज को सेकंड बॉलिंग में ले लो, फर्स्ट बॉलिंग में आप शमी को ले लो, कहानी समझ में आ गई अगर दोनों साथ खेलते हैं तो। क्रिस वोक्स को कब लेना है, क्रिस वोक्स को कब लेना है, जब इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करे और अंडर लाइट में नाइट में बॉलिंग करे, सेकंड बॉलिंग अगर इंग्लैंड की है तो आपको क्रिस वोक्स को लेना है। क्यों लेना है, स्विंग का मास्टर है, माना कि कुछ भी नहीं करा है वर्ल्ड कप में, लेकिन भाई ये इस मैच में आपको रन भी मार के दे सकता है, साथ में आपको सेकेंड बॉलिंग में ये विकेट निकाल के दे सकता है, तो ध्यान रखना क्रिस वोक्स पे भी ठीक है भाइयों। तो सब कुछ समझ में आ गया आपको। अब एक गेंदबाज हो रहे जिसका नाम है मार्क वुड, मार्क वुड को कब लेना है, तो भाई अगर इंग्लैंड की टीम पहले बॉलिंग कर रही है, मार्क वुड को आप पूरी 20 टीम में ले लो। क्यों ले लो, 40 से लेके 50 के बीच में 5 ओवर डालेगा, बॉलिंग पे कब आएगा, 10 ओवर के बाद, पता चल रहा है रोहित गिल सेट है, दोनों को उड़ा दे। चलो भाई बहुत मार लिया बॉक्स स्कोर विली को फर्स्ट बॉलिंग में आपने, मैं आ रहा हूँ मेरे पास पेस है, और आईपीएल में इस पिच पे विकेट लिए थे मार्क वुड ने, 4-4, 5-5 लिए थे, लखनऊ की टीम से ही तो खेलता था, लखनऊ में ही तो मैच होते थे। तो इस पिच पे मार्क वुड के रिकॉर्ड खासकर फर्स्ट बॉलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। तो मार्क वुड को फर्स्ट बॉलिंग में लेना है ठीक है। बाकी बात रही आदिल राशिद की, तो भाई दोनों ही इनिंग में आप ट्राई कर सकते हो आदिल राशिद को ठीक है, क्योंकि पिच पे स्पिनर्स को हेल्प है, और ये क्या है राइट आर्म लेग स्पिनर है, वैसे तो ये लेफ्ट हैंडर्स को ज़्यादा आउट करता है पर ये राइट हैंडर्स को भी ले जाता है, खासकर क्या है कि रोहित कोहली ये जो है ना दो ये लेग स्पिनर्स पे आउट होते हैं, खासकर इसको आदिल राशिद इनको आउट करता है, तो आदिल राशिद पे ध्यान रखना भाइयों, दोनों ही कंडीशन में इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी हाल फिलहाल के लिए मैं आदिल राशिद को ले रहा हूँ ठीक है। बाकी आपको समझ में आई गया, इंडिया अगर बॉलिंग करती है तो शमी, और सिराज नहीं खेलता है तो दोनों ही कंडीशन में शमी, इंग्लैंड बॉलिंग करता है पहले तो मार्क वुड, इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है तो क्रिस वोक्स, समझ में आ गई कहानी। तो अभी के लिए मैं रख रहा हूँ शमी को ठीक है। 10 प्लेयर हो गए भाइयों, बचा है सिर्फ एक प्लेयर, तो भाइयों अभी के लिए मैं रख रहा हूँ यहाँ से लिविंगस्टोन,
अभी के लिए, बाकी मैंने आपको बता ही दिया करूँगा क्या। तो ये हो गई भाइयों मेरी स्मॉल लीग की टीम। हाँ भाई पूरी इंडिया के फेवर में है, खासकर ये टीम पहले बैटिंग में काम करेगी। ठीक है, पहले बैटिंग में क्या होगा कि आपको यहाँ से जो चार दिख रहे हैं ना इंडिया के, रन मार के देंगे। प्लस क्या 50 ओवर का मैच है यार भाई, और क्या है राइट ही तो चल रहा है इंग्लैंड के खिलाफ, तो आपको राइट हैंडर्स रन मार के देंगे। प्लस क्या है कि अगर इंडिया की पहले बैटिंग है तो भाई फिर मार्क वुड को भी आप ले सकते हो चाहो तो लिविंग स्टोन की जगह पे, ऐसा भी आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसा काम आप कर सकते हो चाहो तो। आप एक काम और कर सकते हो, कैसा मान के चलो कि इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग कर रही है, तो आप क्या करो यहाँ से वॉक्स को लो और डेविड विली को लो। ठीक है, और चाहो तो फिर आप विकेट कीपर में भी एक चेंज कर सकते हो, चाहो तो आप रोहित और गिल में से एक को या फिर दोनों को हटा के क्या कर सकते हो, क्योंकि अंडर लाइट में पता चल रहा है विकेट चले जाए, है ना। तो आप रोहित और गिल को हटा के यहाँ से लिविंग स्टोन और आदिल राशिद को ले सकते हो। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन भी आप बना सकते हो अपनी स्मॉल लीग टीम का, समझ गए। ये अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग कर रही है तो उस कंडीशन में काम करेगी टीम, अगर इंडिया की टीम बॉलिंग कर रही है पहले, इंडिया की टीम अगर बॉलिंग कर रही है पहले तो काम करेगी ये टीम। ठीक है, अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग कर रही है तो भाई मैं बोलूंगा विली को हटाओ, वॉक्स को हटाओ, मार्क वुड को लाओ और यहां से आप मोइन अली के साथ जाओ। ठीक है, ये भी आप काम कर सकते हो भाई। वीडियो जो ध्यान से देखता है ना वही तो 2 करोड़ विन करता है, क्योंकि जो फॉरवर्ड करके देख रहा है टीम प्रीव्यू देख रहा है भाई, उसका कुछ नहीं होता, बस वो कुछ नहीं हो सकता उनका, क्योंकि जो मैं समझाता हूँ किस कंडीशन में किसको लेना है वो समझना बहुत जरूरी है, वहीं पे ग्रैंड लीग बन होती है। तो भाई ये स्मॉल लीग में करना क्या है आपको समझ में आ गया है ना। अब मैं आपको अपनी अपने ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन बता देता हूँ, फिर मैं आपको सीवीसी बता दूंगा अभी। तो 6 ग्रैंड लीग की टीम बना के रखी है आपके लिए। एक ये ग्रैंड लीग की टीम है, ये ग्रैंड लीग की टीम कब काम करेगी, जब इंडिया पहले बैटिंग करेगी। ठीक है, इंडिया पहले बैटिंग करेगी तो ये ग्रैंड लीग की टीम काम करेगी, और सिराज नहीं खेल रहा हो तो काम करेगी, नहीं तो फिर सिराज और शमी खेल रहे हैं तो भाई इंडिया पहले बैटिंग करेगी तो आप शमी की जगह पे सिराज को ले लेना, इंडिया अगर पहले बैटिंग कर रहा है तो। ठीक है, ये वाली टीम इंडिया अगर पहले, यार मैंने यहां पे क्या बोला था अभी, इंडिया अगर बॉलिंग कर रहा है ना भाई तो ये टीम चलेगी, क्योंकि देखो शमी बुमराह ये डेथ ओवर्स के लिए है, ये वाली जो टीम है इसमें इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रहा है। ठीक है, ये ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन, इंडिया अगर पहले बॉलिंग कर रहा है तो। ठीक है, इंडिया अगर पहले बैटिंग कर रहा है तो ये कॉम्बिनेशन, इंडिया बैटिंग करेगा तो मार्क वुड डेथ ओवर्स में बॉलिंग करेगा, विकेट निकालेगा, डेविड विली और क्रिस वॉक्स को मैं भाई फर्स्ट बॉलिंग में ड्रॉप करूंगा, उनकी जगह पे मैं स्पिनर लूंगा, क्योंकि स्पिनर्स को टर्न मिलेगा, पता चल रहा मोइन अली नहीं खेल रहा तो मैं सेम कुरेन को लूंगा। तो ये इंडिया अगर पहले बैटिंग कर रही है तो उस कंडीशन में काम करेगी टीम। इंडिया अगर बैटिंग कर रहा है तो आप चाहो तो ये जो मोइन अली है इसको हटा के आप एक बल्लेबाज और रख सकते हो इंडिया का, क्योंकि धोने वाले राइट हैंडर्स इंग्लैंड को, है ना। तो ये टीम आपकी कब काम करेगी, जब इंडिया पहले बैटिंग करे। और टीम बता दूं तो भाई एक ये टीम है, ये टीम ऐसी है कि वही मैंने आपको बताया ना, इंडिया के राइट हैंडर्स पूरे तरीके से कूट के रख दे, 400 रन बना दे इंडिया, तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना 5 ऊपर के, पता चल रहा है रोहित एक को मैंने ड्रॉप कर दिया है, बस एक ड्रॉप कर दिया रोहित शर्मा, पता चल रहा है भाई शुरू शुरू में तेज शॉट मारने में एक आध विकेट चला जाए। ठीक है, चाहो तो आप उसको भी ले सकते हो, कोई वो बड़ी बात नहीं है कि भाई छह बल्लेबाज भी ऊपर से चल सकते हैं इंडिया के, क्योंकि राइट ही है सबके सब, सामने वाली टीम में है नहीं कोई स्पिनर ऐसा जो विकेट ले पाए, और फास्ट गेंदबाज में है मार्क वुड, इसलिए मैंने रख लिया है, जो लेगा विकेट पता चल रहा 50-50 रन होने के बाद में विकेट ले। तो ये टीम पहले बैटिंग में काम करेगी, ध्यान रखना। रोहित को भी आप इसमें ले सकते हो, चाहो तो किसी एक को हटा के सूर्या
गिल, कोहली, ग्रैंड लीग खेलते हो तो ऐसे प्लेयर को हटाना जिसका सिलेक्शन ज्यादा हो, जैसे कि कोहली है ना, तो कोहली की जगह रोहित को रख सकते हो, है ना। बाकी आदिल राशिद को फर्स्ट इनिंग में टन मिलेगा ही धूप की वजह से, तो उस कंडीशन में विकेट मिल जाएंगे आदिल को। मार्कवुड को दे तो ओवर्स में विकेट मिल जाएंगे, प्लस क्या है आदिल और मार्कवुड बैटिंग भी कर लेते हैं। बाकी दिख रहा होगा आपको सीवीसी ज्यादा अश्विन और कुलदीप और जडेजा, भाई स्पिनर्स को हेल्प, इंडिया जीतेगी तो यही तो काम करके देंगे ना, तीन तीन चार चार विकेट ले जाएंगे। बुमराह सेकेंड इनिंग में भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 ओवर दे तो वो पावर प्ले में डालेगा, तो उस कंडीशन में 1-2 ओवर 1-2 विकेट आ गए, काम हो गया, 60-65 पॉइंट हो जाएंगे, बहुत है भाई। पावर प्ले में 2 विकेट मान लो आप तो काम हो जाएगा आपका। ठीक है भाइयों, तो ये थी इंडिया पहले बैटिंग करती है और इंडिया के पूरे राइट हैंडर्स चल रहे हैं तो उस कंडीशन में। ठीक है, और दिखाऊं तो एक ये है, पता चल रहा है इंडिया पहले बॉलिंग कर रहा है और 10 विकेट से चेस कर रहा है, ठीक है, या फिर 9 विकेट से चेस कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या है आपको, रोहित भाई बहुत तेज खेल रहा है, देख ही रहे हो आप, हर बॉल पे चौका छक्का मार ही रहा है, तो सी बना दिया, बीसी गिल को बना दिया, ये भी तो चौका छक्का ही मार रहा है, और पता चल रहा है भाई इंडिया ड्यू की वजह से 10 विकेट से चेस कर जाए, तो उस कंडीशन में ये टीम आपकी चल जाएगी। अब इसमें बोलोगे भाई आपने बल्लेबाजी नहीं लिए, देखो भाई मेरे को इसमें शमी और बुमराह को लेना था दे तो वर्ष के लिए तो इसलिए नहीं ले पाया, कुलदीप को लेना ही पड़ेगा क्योंकि स्पिनर्स को टर्न मिलेगा, अश्विन को लेना ही पड़ेगा, जडेजा को लेना ही पड़ेगा, स्पिनर्स को टर्न मिलेगा इसलिए, बाकी दोनों ओपनर को सीवीसी कर दिया 10 विकेट से अगर चेस हो जाता है तो। बाकी मोइन अली पक्का नहीं इस मैच में खेलेगा, हो सकता है सेम कुरेन खेले इसकी जगह पे, सेम कुरेन खेलेगा तो मोइन अली की जगह पे सेम कुरेन रहेगा। बाकी भाई ये देखो जो भी टीम जीतती है ना तो वो टॉप ऑर्डर उड़ा देती है, तो मैंने टॉप ऑर्डर हटा के मिडिल ऑर्डर लिया है और एक ऐसा बॉलर लिया है जो इसके विकेट लेने के चांसेस रहेंगे दोनों ही कंडीशन में, आदिल राशिद इंग्लैंड का। पता चल रहा है भाई दोनों के 50 हो गए, पता चल रहा है गिल ने 3 कैच पकड़ ली, 50 रन बना दिए, 80-85-90 पॉइंट हो गए, काम हो गया बीसी का। फिर आदिल राशिद ने विकेट ले लिया, फिर विराट कोहली आ तो गया लेकिन ज़्यादा रन नहीं बना पाया, पता चल रहा वो भी विकेट दे गया, है ना, तो आदिल राशिद के खाते में विकेट भी आ गया, साथ में आपका की टीम में जो बल्लेबाज नहीं था वो चला भी गया और रोहित मारे जा रहा है ना, तो उस कंडीशन में ये आपकी टीम चल जाएगी। अब जो दो टीम दिखाने वाला हूं वो दो टीम है इंग्लैंड के फेवर में, उलट फेर हो गया, ठीक है, तो ये है इंग्लैंड के फेवर में ग्रैंड लीग की टीम, ये टीम चलेगी जब जब इंग्लैंड करेगा पहले बॉलिंग, ध्यान रखना पहले बॉलिंग कर रहा है इंग्लैंड तो ये टीम चलेगी, पहले बैटिंग में नहीं चलेगी, ध्यान रखना ये भी। अब बोलोगे भाई पहले बैटिंग में क्यों चलेगी, क्योंकि देखो भाई ओ सॉरी पहले बॉलिंग में इसलिए क्योंकि मार्कवुड को मैंने डेथ ओवर्स के लिए वीसी बनाया हुआ है कि डेथ ओवर्स में 3-4 विकेट निकाल लें या फिर 5-1 विकेट निकाल लें। आदिल राशिद को इसलिए बनाया क्योंकि धूप की वजह से दिन में स्पिनर्स को टर्न मिलेगा, ठीक है, बाकी फिर मैंने चेस करवा रहा हूँ। देखो भाई रोहित को इसलिए रखा है क्योंकि विली और वॉक्स को ड्रॉप किया है, तो विली और वॉक्स को मार देगा रोहित शर्मा, पावर प्ले में ज़्यादा वही तो रन मारता है ना, इसलिए मैंने रोहित को रख लिया। बाकी यहाँ से बेरेस्ट और मलान इसलिए रखे हैं क्योंकि मैंने यहाँ से शमी और बुमराह और सिराज को हटाया है, इसलिए मैंने दोनों ओपनर रख लिए इंग्लैंड के। रूट को भी रख लिया कि भाई पता चल रहा है एक आध विकेट चले जाए, रूट भी अच्छे खासे रन मार जाए। बाकी देखो पिच पे स्पिनर्स को टन है इसलिए मैंने अश्विन, कुलदीप और जडेजा को रखा है, पता चल रहा तीनों रन भी मार दे, विकेट भी एक एक ले जाए, है ना। बाकी यहाँ से मोइन अली अगर नहीं खेलता तो सेम कुरन को ले लूंगा, ठीक है भाइयों, तो ये है इंग्लैंड के फेवर में ग्रैंड लीग की टीम। अब एक और दिखाता हूँ आपको, ये अगर इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करे तो उस कंडीशन में, अगर इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग कर रही है और मैच जीत रही है तो उस कंडीशन में ये वाली ग्रैंड लीग की टीम, समझ में आ गई कहानी। इसमें देखो मैंने वॉक्स को और इसको लिया डेविड विली को, क्यों, क्योंकि सेकेंड इनिंग में अंडर लाइट में इनको विकेट मिल सकते हैं, पता चल रहा है डेविड विली रन भी मार दे और विकेट भी चटका दे तो 101 पॉइंट हो जाए, या फिर पता चल रहा 5-1 विकेट ही निकाल दे भाई अंडर लाइट में, ठीक है, तो डेविड विली भी सी कर दिया। लिविंगस्टोन को इसलिए सी करा क्योंकि भाई देखो लेग स्पिनर है ये, ऑफ स्पिन भी डालता है, पता चल रहा लेफ्टियों को भी उड़ा रहा है, राइटियों को भी उड़ा रहा है, रन भी बना रहा है, ठीक है, पूरे टूर्नामेंट में कुछ नहीं करा, पता चल रहा है इस मैच में ही आपको तगड़े पॉइंट दिला रहा है। फर्स्ट बॉलिंग में भाई मैंने मलान और बेरिस्टो को हटाया हुआ है, रूट को भी हटाया हुआ है, क्यों, क्योंकि मैंने शमी और बुमराह को इस टीम में लिया है तो पावर प्ले में विकेट शमी और बुमराह के खाते में आ जाए, है ना।
बस एक रिस्क लिया है जडेजा को ड्रॉप करने का, अगर मोइन अली नहीं खेलेगा तो उसको ले लूंगा, या फिर मोइन अली की जगह पे सैम कुरियन को भी ले सकता हूँ, या फिर एक आध फास्ट बॉलर कम करके मैं जडेजा को भी ले सकता हूँ, पर मुश्किल है। ठीक है भाइयों, तो छह ग्रैंड लीग की टीम दिखा दी मैंने आपको, एक स्मॉल लीग की टीम दिखा दी मैंने आपको, सब कुछ समझ में आया करना क्या है इस मैच में। तो भाइयों बाकी मेरी जो फाइनल टीम्स रहेगी वो मिलेगी आपको टेलीग्राम पे, टेलीग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन याद से कर लेना भाइयों। ठीक है, बाकी अगर इस वर्ल्ड कप में आपको बैक टू बैक मैचेस में ग्रैंड लीग्स विन करना है तो करना कुछ नहीं, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना है भाई, रिजल्ट ना देखे तो फिर बोलना। ठीक है, एक्सपर्ट बन जाओगे, ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा, एक्सपर्ट बना दूंगा, बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करो। ठीक है भाइयों, और आप मेरे बारे में जानना चाहते हो तो भाइयों फैंटेसी की दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रैंड लीग अगर किसी ने विन करी है तो वो है आपका भाई। ठीक है, कितने बार? 3000 बार, मैं खुद ही भूल गया हूँ कि 3000 कितने बार, इसलिए मैं राउंड फिगर 3000 बोलता हूँ। आप मेरी आईडी पे जाके देखो, आईडी आजकल सर्च तो होगी नहीं, तो आप करना क्या मैं बताता हूँ आपको करना क्या है, आप जाना विनर सेक्शन में, फिल्टर लगाना आप एशिया कप, एशिया कप आप फिल्टर लगाओ, ये आ गया एशिया ओडीआई कप 2023। अब इसमें एक मैच हुआ था इंडिया वर्सेस श्रीलंका का, ये देखो जिसमें बिलाल के ने 5 विकेट निकाले थे, तो उस मैच में आपका भाई 57 लाख रुपए जीता था, सारे ग्रैंड लीग जीता था, और जो मेरा मेंबर था वो 2 करोड़ रुपए जीत गया था, देखो उनने मेरी डीपी भी लगा के रखी है। तो आप क्या करना, इनकी फॉलोइंग लिस्ट में जाना, वहां से आप मुझे फॉलो कर लेना, इनने मुझे फॉलो किया हुआ है, बाकायदा मेरी डीपी भी लगाई हुई है। ठीक है, समझ गए क्या करना है, तो यहां से आप मुझे फॉलो कर लेना। ठीक है भाइयों, बाकी दो चीजें और बची हुई है वो मैं आपको बता देता हूं। तो भाइयों मैं ये बोल रहा था कि लीग 11 और विजन 11 डाउनलोड जरूर कर लेना, लीग 11 पे मोबाइल का गिव अवे, विजन 11 पे 1 लाख रुपए का गिव अवे, विजन 11 डाउनलोड करने पर 500 रुपए, लीग 11 डाउनलोड करने पर 100 रुपए, तो ये फ्री का फायदा है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ही आपसे कर लेना, और आपको एक बात बता दूं, मेरा रियल चैनल सिर्फ एक ही है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, उसके अलावा मेरा कोई भी चैनल नहीं है, तो मेरा रियल चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना अगर इधर उधर के फेक चैनल ज्वाइन करे हो, तो मेरे नाम से बहुत फ्रॉड होता है, बच के रहो, ध्यान रखो। अगर आप कभी भी मुझसे प्राइम टीम्स देता हूँ मैं, ठीक है, प्राइम ग्रुप में आपको ग्रैंड लीग की टीम्स मिलेगी मेरी हर मैच में, जो भी मैच में खेलता हूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना है, या तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसी पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम यूजर नेम मिल जाएगा, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता देता हूँ, इसको सेव करके रख लेना। इसके अलावा मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, दुनिया भर के लोग मेरी डीपी लगा के इधर उधर मैसेज करते रहते हैं, बंदे आते हैं मेरे पास में फिर, तो उनसे सतर्क रहो। मेरा व्हाट्सएप नंबर ध्यान रखो 9131658484, समझ गए, 9131658484, समझ गए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, और मैं किसी को मैसेज नहीं करता हूँ, मेरे पास में इतना टाइम नहीं है, आप अगर मैसेज करोगे तो उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है भाइयों, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है आपको। बाकी फाइनल जो मेरी टीम रहेगी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन करना। बाकी इस वर्ल्ड कप में ग्रैंड लीग बैक टू बैक मैचेस में जिता रहा है आपका भाई, 10+ मैचों में ग्रैंड लीग जिताने की कमिटमेंट थी भाई, पूरी होने ही वाली है, मैं अभी काउंट करूंगा, शायद से मैंने 9 मैचों में जितवा दी है। ठीक है, तो एक आध मैच और बचा हुआ है, बाकी वर्ल्ड कप अभी आधा बचा हुआ है, तो सोचो कि एक नहीं, पता चल रहा पूरे ही मैचों में बैक टू बैक जिता दूं, ऐसा प्रेडिक्शन कोई नहीं देगा भाई, इतने अच्छे से आपको कोई नहीं समझाएगा, लोगों से स्मॉल लीग विन नहीं होती आपका भाई, ग्रैंड लीग जीतता है। ठीक है, ग्रैंड लीग जीतने वाला ही ग्रैंड लीग जितवा सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है भाइयों, तो अगर ग्रैंड लीग का सपना है तो बस पर डे वीडियो देखो, कभी कभी मैच खराब हो जाता है तो हल्के में मत लिया करो, जिस दिन मैच खराब होता है ना उसके अगले दिन जमीन आसमान पाताल एक कर देता हूँ ग्रैंड लीग विन करने के लिए। ठीक है भाइयों, तो मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, मिलते हैं भाइयों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो।
ढेर सारी आज आपकी विनिंग्स हो।